बेलन वाली बहू है पर लड़की बिल्कुल गौ है। कैसे हो सब लोग? ठीक ही होंगे। शालिनी कितनी भोली है तू। अरे नरेन बेटा, जितेंद्र वैसे मुझे यहाँ देखकर आप लोग ठीक नहीं लग रहे हो, है ना? तू कहाँ से आई? किचन की खिड़की से। चाहे कितने भी दरवाजे खिड़की बंद कर लो, मैं तो दीवार तोड़ के आ जाऊंगी, छत फाड़ के आ जाऊंगी। अरे भूलो मत आप लोग, मेरा नाम कटोरी है, कटोरी। अगर एक बार किसी के घर में घुसने की मैंने ठान ली ना, तो मैं घुस के ही रहती हूँ। हाँ क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे सामने? फिलहाल मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक वापस आऊँ मेरे लिए कुछ ठंडा बना कर रखना, समझ गए? एक्सक्यूज मी। दादाजी ये तो समझ में आया, क्यों पढ़ा? उसमें समझना क्या दादाजी, हमेशा ऐसे ही तो पढ़ता। ए रूपा, अच्छे से मिलाया ना जमाल को का? डबल डोज मिला दिया है। अब तू देखना इसको पीते कैसे कटोरी घर से भागेगी। ऐसे आइडियाज, अरे मेरा दिमाग ऐसे चलता है तो फिर एकदम चलता है। कटोरी आंटी, आपको शरबत पीना था ना, मैंने आपके लिए शरबत बनाया है। शरबत? वाह भाभी, क्या शरबत बनाया था आपने, मजा आ गया, कुछ अलग ही टेस्ट था इस बार। भाभी प्लीज मेरे लिए एक और ग्लास बना दीजिए, प्लीज। सेम टू सेम भाभी प्लीज। अरे हद होती है भूखड़पन की, मेहमान के लिए बनाया हुआ शरबत तूने पी लिया जितेंद्र? हद है, हद है। रूपा छोड़िए सब, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ, तब तक डिनर का क्या है तू देख लेना, ठीक है? पी और पी। हाँ। वो तो एक और बना के ऊपर भेज देना प्लीज भाभी। हाँ ऊपर, मजा आ गया, क्या शरबत। पागल है पागल। मैं? अरे ये मेरा भाई जमाल घोटा पी गया। ये कटोरी तो सर पे चढ़कर नाचने लगी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसका। पिताजी आप एक बार मुझे खुला छोड़ दो। तो बात के रखा है क्या तुझे? अरे काट ले जिसको चाहे काट। मुझे क्यों मारा? इनको मार सकता हूँ। पिताजी आप तो कुत्ते खाने पे उतर आया। अरे मेरा मतलब ये था कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए खुली छूट दे दो, फिर देखो कैसे रहती है कटोरी इस घर में। चल तुझे जो करना है कर, खुली छूट है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। प्रेमलता मुझे रोकना मत। रोक कौन रहा है? प्रेमलता रोक ले मुझे। क्यों? नहीं तो तबाही आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। रोक ले, रोक ले मुझे। वेल पापा जी, जोश में होश खोने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि कटोरी आंटी को इस घर से बाहर निकालने का सलूशन कहां से निकलेगा। मेरे मेरे पेट से, मतलब वेल नॉट वेल, माय पेट नॉट नॉट वेल। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी जितेंद्र भैया, वो क्या है ना, मैंने कटोरी आंटी के शरबत में जमाल गोटा मिला दिया था, वो गलती से आपने पी लिया, मुझे लगा वो पी के वो घर से भाग जाएंगे, लेकिन आप तो क्या बाप। यार रूपा कहाँ से लाती है ऐसे बेकार आइडिया? अरे आइडिया बुरा नहीं था माँ, अगर वो शरबत कटोरी ने पिया होता तो पेट पकड़ के वो नाच रही होती अभी। ए जीतू, एक गुड़गुड़ वाली सेल्फी। गुड़गुड़ क्या? इसके पेट से हो रही है ना, मैंने सुना अभी। ले ले। अरे 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 उसका सेल्फ कंट्रोल चला गया, सेल्फी क्या खिंचवाएगी उसके साथ हैं? हम जितेंद्र को दवाई देता है। भाई देखो ये जितेंद्र की तो विकेट डाउन हो गई, और ये प्रेमनाथ सिर्फ बातों का शेर है। मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ क्यों ना हम
कटोरी के बिस्तर पर खुजली का पाउडर छिड़क दे। अरे जैसे ही बिस्तर पर लेटेगी खुजलाते हुए भागे। खुजली भागेगी? अरे खुजली होगी तो बैठ के खुजाएगी, भागेगी क्यों? उल्टे हमको उसका इलाज करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ पापा जी। और दादाजी कटोरी आंटी तो मेरे बेड पे सोती है ना, तो बेड तो मेरा खराब हो जाएगा ना। मेरा भी। मेरे पास एक आइडिया है दादाजी, क्यों ना हम कटोरी आंटी को किडनैप करवा दें। आय हाय, मेरा किडनैपर 4 दिन हुए नहीं, नैपी पहनना छोड़ा है, किडनैप करने चला। तू क्या सरी, कुछ सोचना। सोचो भाई कोई तो अच्छा आइडिया, सोचो कोई। सोच लिया। क्यों ना हम कटोरी आंटी को नींद में उठा के उनके घर पे छोड़ाए। सुन बेटा, ये छोड़ के आने वाला आइडिया छोड़, कुछ और छोड़। क्या है? क्या हुआ? छोड़ क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कुछ और सोच। ए रूपा, इनसे कुछ नहीं होगा, मैं ही तुझे कोई अच्छा सा आइडिया सोच के देता हूँ। आप रहने दीजिए, आपने आइडिया दिया था, देखा ना क्या हुआ, जितेंद्र भैया की तबीयत खराब हो गई। अरे कदर ही नहीं पड़ती। ठीक है बैठ के सोच इनके साथ, घटिया सा आइडिया। हाय बड़े चमत्कार वाले। अब दिखाऊंगी मैं उन्हें असली चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाऊंगी, ऐसा चमत्कार दिखाऊंगी कि चमत्कार का नाम लेना ही भूल जाएंगे। क्या बकवास करके चली गई? अरे पिताजी जो भी बकवास की हो, यहाँ से गई तो सही, जान तो छूटी। मतलब कटोरी आंटी ने आपको देखा, पर कैसे? अरे हाँ, मेहमान के आने से जो चमत्कार होना था वो हो गया। अरे ये चमत्कार था कि मैं उसको दिख गया, तुमने सेवा की इसलिए ये चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। पापा जी, दादा जी, कटोरी आंटी चली गई। अरे ये कैसा चमत्कार है? वो मेहमान बनकर आई और चिल्लाती हुई चली गई। हाँ दादाजी, आपको पता है वो वो मेहमान बनकर आई पर क्या बोलकर चली गई कि वो कभी वापस नहीं आएंगी, चमत्कार हुआ नहीं है। ये तो सचमुच का चमत्कार हो गया, जो इतने सालों से हर रोज चीनी लेने आती थी वो अब कभी नहीं आएगी चीनी लेने। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? प्रेम लता, हमने सच्चे दिल से अतिथि की सेवा की होगी, तभी तो ये चमत्कार हुआ है कि नहीं? चल रही अरे ये क्या, सब यही है, नहाए नहीं अब तक। चाय नहीं देना जब तक ये नहाते नहीं, कोई चाय नहीं पिएगा। प्रेमना जी लाइए अखबार मुझे दीजिए,
पता नहीं सुबह सुबह क्या ढूंढते रहते इसमें। ये नहीं कि नहा धोकर फ्रेश हो जाए पहले। मैं पेपर पढ़ के फ्रेश होता हूँ प्रेम लता, नहा के नहीं। अपना अपना स्टाइल है कि नहीं है? होता है, होता है। ले बेटा चाय दे। दे दे, क्या देख रही है उसको? क्या है सबका, नहाने से कतराते क्यों है सब? राज, what is कतराते? कतराते कतराते काटे अपनी रातें, लिटिल लिटिल के सहारे काटे अपनी अपनी रातें। प्रेमला जी, बस बस अब तो काट खाएगी। बस एक रूपा और मैं ही हैं जो इस घर में टाइम से नहाते हैं। नहीं नहीं, मैं भी तो नहाता हूँ टाइम से। जब मेरा टाइम होता है तो मैं टाइम से नहा लेता हूँ। अच्छा पिताजी, तो बताइए आपके नहाने का टाइम क्या है? वो टाइम ये सूजी को पता है ना टाइम? जब टाइम होगा तो सूजी टाइम बता देगी, तो मैं बता दूंगा क्या टाइम है। राज, जब तुम्हारे दिल से आवाज आए नहाने को, वही सही टाइम है। वाह, अगर 10 दिन तक दिल से आवाज नहीं आए तो 10 दिन नहाएंगे नहीं है? 10 दिन? अरे बाप रे, 10 दिन तक बिना नहाए कौन रह सकता है भाई? मुझे तो सातवें दिन ही खुजली शुरू हो जाती है। हाय हाय हाय। जितेंद्र बेटा, बड़े तो ना समझ बन रहे, छोटों को समझदारी दिखानी चाहिए ना। जा जाके नहा ले। अरे ये क्या करेगा नाग, इसको कौन से काम पे जाना है? कुछ ले जाना है, इसलिए तो नहीं नहा रहा। इसीलिए तो मैं भी नहीं नहाता। मम्मी जी, जिस दिन मेरा जॉब लगेगा ना, उस दिन सबसे पहले मैं नहाऊंगा। बेटा नहाएगा तब जाके जॉब लगेगी। अरे गलत बात, ये नदी में 100 गोते भी लगा लेना तब भी इसकी जॉब नहीं लगेगी। हाँ, हाँ, ये तो है। आप नहा लीजिए ना, मम्मी जी इतना कह रही है तो। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। छोड़ कमला भाई, बोल रही है सुबह सुबह जल्दी नहाएगी तो सर्दी लग सकती है। सर्दी? नहीं नहीं शालू, तू नहीं नहा सकती, नहीं मत नहाना। ये बोला शालू का भालू। नरेन बेटा प्लीज, तू मना नहीं करना, जा जाके नहा ले। अच्छा मम्मी जी, कोई नहीं जा रहा तो नरेन जाएगा। अरे मैं तो बिना नहाए भी फ्रेश लगता हूँ ना, मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगा। प्रेमलता, तू इतना नहाना नहाना कर रही है तो तू खुद जाके नहा लेना दोबारा, है कि नहीं? प्रेमला जी, कान खोल कर सुन लीजिए सबके सब, अगर 2 मिनट में कोई नहाने नहीं गया तो आज खाना भूल जाइए। खाना कैसे भूल? क्या यार नरेन, तेरी वजह से आज सब भूखे रहेंगे। सही कह रहे हैं छोटे, तेरी वजह से आज सब भूखे रहेंगे, चले जाना। यार ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई, मैं बताऊं क्या बात हुई? जाता नहीं तो चांटे मार के ले जाऊंगा। जा रहा हूं। जाना यार, जाना यार। बहू बहू बहू, देखा ऐसे भेजते। शालिनी चल तू भी जाना आने। अरे आप ही तो कमला भाई बोली ना, नहीं जा सकती हूँ मैं। शालिनी नहाने जा, वरना कमला भाई के घर जाके खाना खाना पड़ेगा तुझे। मैं तो जा ही रही थी। गर्म पानी से नहाना, सर्दी लगेगी। गर्म पानी देखा पिताजी, ऐसे भी भेजते हैं नहाने। आज तुम्हारा बहू को क्या हो जाता है? पूछ के बताता हूँ क्या हो जाता है तेरी वाइफ को। अरे जिसका जब मन होगा ना लेगा, ये कहां लिखा है कि सुबह ही नहाना होता है? शुक्र मनाइए कि आपको नहाने को बोल रही है, मुझे तो शिव शासन करवाते हैं। 2-2 घंटे एक टांग पे खड़े रखवाते हैं, 100-100 उठक बैठक करवाते हैं। तो बढ़िया रास्वार रास्वार तुम सब करवाती क्यों? बोलती है कि इससे सेहत अच्छी बनती है। अरे कुछ नहीं होगा सेहत का, आपको देख के लगता है कि आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। उम्र होगी आपकी पापा जी, आप रहने दीजिए। मम्मी जी, यार क्या सब जबरदस्ती करते हो यार, छोटा हो तो सब रोक डालोगे। अरे बेटा ऐसे आधे अधूरे क्यों आए, पूरे नहा के आते हैं। अरे मम्मी जी, पूरा नहाने के लिए पूरा पानी भी धोना चाहिए, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। क्या? मैं किचन में चेक करके आती हूँ। हाँ देखो देख, छोटे तू ऐसे भी अच्छा लग रहा है, आज पूरा दिन ऐसे घूम। मम्मी जी किचन में भी पानी नहीं आ रहा, मैं ऊपर टंकी पे चेक करके आती हूँ। अरे बेटा टंकी में पानी नहीं है तभी तो नल में नहीं आ रहा, टंकी से ही नल में आता है। अरे मम्मी जी पहले मेरा कुछ करो। अब क्या करे, किचन में मटका पड़ा है उसमें थोड़ा पानी है, तेरा काम चल जाएगा।
देखो मैं आ गई, नहा के आ गई, फ्रेश होके आ गई। चीतू अब तुम्हारी बारी, हाँ जाओ। शालिनी तू किस चीज से नहा के आई? किस चीज से मतलब, पानी से नहाकर आई हूँ। अब दूध से थोड़ी नहाकर आऊंगी। पानी से कैसे नही, नल में पानी आना बंद हो गया है। नल खोलने की तकलीफ तो करती। वो एक्चुअली मैं दूध से ही नहाकर आई हूँ। अरे कल्लू क्या हाल है मेरे भाई? एकदम बढ़िया। आओ कबाड़ वाले, चाय बना दूं? अरे चाय नहीं, पहले मुझे पानी पिला दे मेरे भाई। पानी नहीं, चाय पीना है तो बोलो। अरे बोला ना पहले पानी पिलाओ, चाय बाद में पीऊंगा। बोला ना पानी नहीं है, चाय पीना है तो बोलो। अजीब आदमी है, चाय का बिना पानी के बना के पिलाता है 10 के भाव में। अरे भाई ये चाय बनाने वाला पानी चाय बनाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। अरे यार देख, जो चाय मैं पीऊंगा उसके अंदर भी तो पानी डालेगा ना। जो पानी तू चाय में डालेगा वो पानी मुझे पिला दे और पैसे ले ले 10 के भाव में। अरे मैं चाय वाला हूँ, चाय बेचता हूँ, पानी नहीं बेचता। अच्छा कल्लू तू एक काम कर, तू मुझे ना एक चाय का सामान दे दे, दूध पत्ती चीनी पानी सब अलग अलग दे दे, मैं घर जाके बना लूंगा 10 के भाव में। अरे अगर तूने चाय अच्छी नहीं बनाई तो बदनामी तो मेरी होगी ना, लोग कहेंगे कल्लू चाय वाले की चाय अच्छी नहीं है। अरे लोग तुझे क्यों बोलेंगे, चाय तो मैं बनाऊंगा ना। अरे पर बदनामी तो मेरी होगी ना। अरे कल्लू तेरी बदनामी कैसे होगी, बदनामी होनी होगी तो मेरी होगी ना। तू बस मुझे चाय का सामान दे दे 10 के भाव में। मुझे पता है तू सामान चाय बनाने के लिए नहीं पानी पीने के लिए लेके जा रहा है, और तुझे मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं चाय बेचता हूँ पानी नहीं। अरे यार ये बात तो वहीं पे आके रुक गई जहाँ से शुरू हुई थी। एक मिनट, तुझे पानी पीना? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहा है, राशन की दुकान पे जाना, वहाँ पानी मिल रहा है। अरे यार ये बात तूने पहले क्यों नहीं बोली, अगर मैं प्यासा नहीं होता ना तेरे को पीटता बहुत जोर से 10 के भाव में। कोई बढ़िया खाने की चीज देख के मुंह में पानी आता था, पर आज तो पानी को देख के मुंह में पानी आ रहा है 10 के भाव में। अरे भाई साहब मुंह में पानी आ रहा है तो उसी को अंदर घटक लो, पानी के पैसे बच जाएंगे। अरे अजीब दुकानदार है, मैं तुझसे पानी खरीदने आया हूँ और तू मुझे उल्टा पैसे बचाने का आइडिया दे रहा है, ऐसे कैसे तेरा धंधा चलेगा 10 के भाव में। अरे धंधा थोड़ी है भैया, समाज सेवा है। बोलो कितनी बोतल दे? ये 4 की 4 बोतलें मुझे दे दो। 4 की 4? ठीक है, तो 100 के हिसाब से 4 के हो गए 400 रुपए। 400 रुपए? 20 के हिसाब से तो 80 रुपए होते हैं। अरे भाई साहब पानी बेच रहे हैं, सुना तू रुक मैं अपनी दुकान से खाली बोतलें लाता हूँ, तू उसमें डाल देना 10 के भाव में। सुनिए भाई साहब ये दाम जो है ना पानी का है, बोतल का नहीं, और वैसे भी आखिरी 4 बोतल बची है पानी की, लेनी है तो ले लो नहीं तो कोई और आके ले जाएगा। 400 रुपए की? पर भाई साहब तुम तो बोल रहे हो मैं समाज सेवा करने बैठा हूँ। भाई साहब पैसे को पानी पिलाने से बड़ी कोई समाज सेवा है क्या? नहीं ना, तो फिर अच्छा रुकिए एक फोन आ रहा है। हाँ जी कितनी बोतल भिजवा दूं? अरे 4 बोतल? हाँ जी 4 ही बची है। अरे बोलो बिक गई अभी भिजवाता हूँ। अरे भाई साहब बोलो बिक गई? अरे हाँ हाँ। अरे भाई साहब ये पकड़ो 400 रुपए 400 के भाव में, ये 4 बोतल मुझे दे दो। इस फोन में तो बैटरी नहीं है, ये फोन कहाँ से आएगा? बहू बहू ये तलब का क्या करूं? चाय का क्या करें? पिताजी पानी नहीं है तो दूध में पत्ती उबाल कर चाय बना लूं? प्रेमलता वो तो दूध पत्ती हो जाएगी ना, है कि नहीं? मन तो चाय पीने का कर रहा है। आज पानी नहीं है तो पानी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। आपने याद किया, पानी आ गया 10 के भाव में। जी तू पानी है क्या? तू तो कबाड़ वाला है ना? अरे दादाजी ये कबाड़ वाला है पर उसका नाम पानी है ना? आप ही ने तो अभी कहा कि आपने याद किया और पानी आ गया। नहीं मेरा मतलब है आप लोगों ने याद किया और मैं पानी लेकर आ गया। ये देखो अरे वाह भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दे। अरे नहीं दे, भगवान ऐसे पड़ोसी सबको देंगे तो सबको पानी देगा तो हमारे लिए क्या बचेगा? नहीं नहीं हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए अच्छे पड़ोसी लाख पानी दे। 500 रुपए की बोतल है ऐसे कैसे दे दूं? 500 रुपए की एक बोतल?
अच्छा तुम बोतल रख लो, हमको सिर्फ पानी दे दो। पानी के साथ 500 रुपए की? मेरे पास कुल 4 बोतलें हैं, 3 बोतल के 500 के हिसाब से 1500 रुपए हो जाएंगे और चौथी बोतल के 200 रुपए लगा दूंगा सूजी जी के नाम पे। चुप कर तो, और मुझे ये बता तुझे लगाऊं मैं किस हिसाब से है? अरे शर्म नहीं आती सूजी का नाम अपनी कबाड़ वाली जबान से लेते हुए? पिताजी काली जबान होता है। हाँ पता है मुझे, लेकिन इसकी तो कबाड़ वाली जबान है। राज तुम इसको छोड़ो, तुम्हारा इंजेक्शन का टाइम हो गया, तुम अंदर चलो। अच्छा अरे ले चल, कहीं भी ले चल, तेरे साथ तो मैं चांद पे भी जा सकता हूँ बिना पानी के। अब तो सूजी जी वाली बोतल के भी 500 रुपए ही लगेंगे। अरे तू गया नहीं अभी तक? सोच लो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पानी के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगी 10 के भाव में। वाल कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इंस्पेक्टर जितेंद्रनाथ अवस्थी के पास हर मुश्किल का हल है। सस्पेंडेड। सस्पेंडेड ऊपर निकाला नहीं गया, लेकिन अभी तू निकल यहां से, निकल। पापा जी मम्मी जी और आप दोनों आइए मेरे साथ, फॉलो मी, कम ऑन फॉलो मी, आइए आइए। अवस्थी ये दादाजी ने कुछ सोच समझ के बनवाया होगा। मम्मी जी आप किचन से बर्तन लेकर आइए, छोटे तू बाथरूम से बाल्टियां लेकर आ। जा शालू, आ शालू सेल्फी ले ले। हाँ, एक हैंडपंप वाली सेल्फी। बेटा रुक जा, ये बच्चों का काम नहीं है, हट चल। देखना प्रेमला जी, लिटिल लिटिल मार के कमजोर हो गए आप, हटिए। चलो जाना, जाओ 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 जाओ। पानी आ जाए, लेकिन आई नहीं रहा है। ये हैंडपंप से पानी निकालने का आइडिया किसका था? वाल दादाजी इस घर में सिर्फ एक ही आदमी अच्छी आइडिया देता है, इंस्पेक्टर जितेंद्रनाथ अवस्थी। शाबाश बेटा, आज आशीर्वाद ले ले। Blessings, दादाजी। क्या है? हैं? पेचकस पाना पकड़, सारे औजार लेकर आ। आता हूँ। हो गया दादाजी? खुल गया? हाँ। ये हैंडपंप इस घर में शो के लिए लगाया था। दादाजी इस घर में शो वाला हैंडपंप रखने की क्या जरूरत है? तेरी जरूरत है? नहीं रखा हुआ है ना। दादाजी अब भी सोच लो, पानी चाहिए 10 के भाव में। तू गया नहीं अब तक? जाके वापस भी आ गया मैं। वापस आ गया? इतना मारूंगा ना, वापस आने लायक नहीं रहेगा, चल भाग जा। पिताजी क्या कर रहे हैं आप? पानी तो लेने दीजिए। ला दो पानी। 4 बोतल के 4000 रुपए। 4000? रेट डबल हो गए ना। चलो आप लोग 3500 रुपए निकालो। सूजी जी की बोतल के 500 ही लगेंगे। इधर आ जाओ, फिर ले जाओ। अरे पिताजी इतना महंगा पानी? अब पानी चाहिए ना, पानी के बगैर कैसे चलेगा। ये ले ये ले, हाथ कर रहा है।
जितेंद्र पानी, अरे दादाजी पानी नहीं लेना है तो मत लो, ये नलका तो दे दो 10 के भाव में। पकड़ से, पकड़ से। अरे रुको। लेकिन पिताजी पानी का क्या करें? भगवान जी पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कोई सलूशन दे दीजिए ना। तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा बच्चा, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी जगह पे 2 चक्कर लगाने होंगे घूम के। जी भगवान जी। ऐसे नहीं, नाक पकड़ के बच्चा। नाक? अब कान पकड़ के बच्चा। शर्म नहीं आती आपको? शर्म क्यों आई? रूपा मेरी बात सुन। अरे रूपा मैं तो ऐसे ही बस मजाक कर रहा था ना तेरे साथ। मजाक का वक्त, आपको पता है पानी की कितनी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ तो पानी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ना, उसमें क्या है? कैसे दूर हो जाएगी? आपको पता है टंकी में पानी नहीं है, मटके में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है, और बाजार में तो सोने के भाव में बिक रहा है पानी। और आपको पता है घर में जो हैंड पंप लगा हुआ है वो नकली है, दिखावे के लिए है। हाँ, दिखावे के लिए ही है, तुझे नहीं पता? आपने कभी बताया ही नहीं। तूने कभी पूछा ही नहीं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, दिखावे के लिए थोड़ी ना होता है हैंड पंप, वो तो पानी निकालने के लिए होता है ना। नहीं नहीं हमारे घर में पानी निकालने के लिए नहीं है, गुस्सा निकालने के लिए है। गुस्सा निकालने के लिए? हाँ। क्या है ना रूपा, दादाजी को जब भी दादी भी गुस्सा आता था ना तो और तो कुछ कर नहीं पाते थे, तो ऐसे हैंड पंप उखाड़ते थे और खड़े हो जाते थे। गुस्सा तो मुझे आप पे आ रहा है, आप कोई सलूशन नहीं दे रहे हो। अरे सुन ना, मैं बताता हूँ ना कि पानी कहाँ से मिलेगा। सुन सिर्फ तुझे बता रहा हूँ कि जो बाहर मंदिर के पास नल लगा हुआ है ना म्युनिसिपैलिटी का, उसमें रोज 4 से 5 बजे तक 1 घंटा पानी आता है, सबकी टंकियों में पानी वहीं से जाता है। आपको पक्का पता है? अरे हाँ, मैं वहीं पेड़ पे तो सोता हूँ, देखा मैंने। मैं सबको बताकर आती हूँ। हाँ, सुन हाँ? इतना अच्छा आइडिया दिया है, थैंक यू तो बोल के जा। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। सॉरी नहीं, थैंक यू। हाँ वो थैंक यू नहीं बोला ना इसलिए सॉरी बोल दिया। अरे पर थैंक यू तो बोला ही नहीं ना अभी भी। रूपा नहाए बिना तो बड़ा अजीब सा हो गया है, खुजली होनी शुरू हो गई है, यहाँ बड़ी खुजली हो रही है। सुजी जरा खुजा दे, जरा इधर। हाँ। इधर इधर इधर, इधर। क्या हुआ? राज बहुत बदबू आ रहा है, हम कुछ नहीं करेगा, तुम खुद ही खुजला लो प्लीज। अरे खुद नहीं हो रहा है ना, इधर हाथ नहीं पहुंच रहा, इधर यहाँ हो रहा है, ये एक जगह इधर यहाँ पर। ओके ओके ओके, देख दे हम कुछ करता है। हाँ कर, कुछ कर। अरे पूरा ध्यान मेरा इधर ही चला गया, इधर है, इधर इधर जल्दी इधर कर। क्या कर रही? यही है, यही है, यही है, यही है, यही पॉइंट है, ये। थोड़ा आराम मिला, आराम मिला थोड़ा सा। पापा जी थोड़ा सा दूर, बहुत बदबू आ रही है, प्लीज। बाप से बदबू? वो दिन भूल गया जब छोटा होता था, छिच्ची करता था तो मैं साफ किया करता था। बेटा बदबू मुझे भी आती थी लेकिन मैंने कभी तुझे भगाया नहीं। प्रेमनाथ जी आपने कब साफ की बच्चों की छिची? हमेशा मैं ही तो करती थी। कैसी बात कर रही प्रेमलता? एक बार की नहीं थी? बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, दूर रहिए, वहां जाके बैठिए, जाइए ना। अच्छा लगा लगा लगा। ये तो अच्छा है जीतू, नाया नहीं फिर भी स्मेल नहीं आ रही है। लगा ले और डियो लगा ले चालू। साले बेटा मुझे भी थोड़ा छिड़क दे, कोई मुझे अपने पास नहीं बैठने दे रहा है, अपने ही घर में बेगाना हो गया हूँ मैं। कोयल बाबा जी डियो लगाओ और सबको अपने करीब लेकर आओ, ये लो। पीछे 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 ले प्रेमलता, सूंग 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 ना चूला आग बुझ के सूंग सूंग ना सूंग ना ले ना बाय ना ले ले रूपा का जूता खा लिया क्या? उसी की तरह हरकतें कर रहे हो?
मम्मी जी, पापा जी। लो, भाभी का नाम लिया और भाभी हाजिर। रूपा 100 साल जी होगी, अभी मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। थैंक यू शालिनी भाभी, मेरे पास एक गुड न्यूज है, पानी की प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है। मम्मी जी, मंदिर के पास जो नल है ना, वहाँ पे 4 से 5 के बीच में पानी आता है। 4 से 5? तो आप क्या टाइम हुआ है? 4:15? क्या 4:15? चलिए 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 चलो चलो पानी लेने चलो। सारे मग्गे, मटके, पतीले, बाल्टियां, कटोरियां, ग्लास, जितने भी है सब ले लो सारे के सारे लेके आ जाओ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलिए 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 चलिए। ए रूपा मेरी बात तो सुन। बाद में वैसे ही लेट हो रहा है। अरे क्या बाद में, पानी शाम को 4 से 5 नहीं सुबह 4 से 5 के बीच में आता है। क्या? हाँ, अरे शाम को आता होता तो पूरे मोहल्ले को पता होता ना। सुबह आता है इसलिए तो मुझे बताया, मैंने तुझे बताया। अरे सुनिए सुनिए, रुकिए 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 रुकिए। पानी शाम के 4 से 5 के बीच में ही सुबह 4 से 5 के बीच में आता है। हाँ? क्या? हाँ। अरे रूपा, तुझे पता है ना पानी कितना जरूरी है, और तुझे मजाक सूझ रहा है। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी दादाजी, पर इन्होंने अभी सही टाइम बताया। इन्होंने मतलब तेरे भगवान जी ने ना? हाँ भगवान जी ने, मुझे लगा उन्होंने शाम के 4 से 5 के बीच में बोला, लेकिन उन्होंने तो सुबह 4 से 5 के बीच में कहा। पर ये तो अच्छा है ना, सुबह 4 से 5 के बीच में कोई नहीं होगा, आराम से पानी मिल जाएगा। वाल भाभी, मैं सुबह ठीक 4 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। नहीं एक मिनट, पानी पहले आ गया तो? नहीं नहीं नहीं, देखो अभी ये सुबह शाम का कंफ्यूजन हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, तू रात को ही वहां बैठ जाना। नहीं सही तो बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा। अरे पानी आएगा तो भर पाएगा ना, आए कि नहीं? ये अकेला जाएगा? क्यों, आपको भी आना। तू जाएगा, नरेंद्र भी जाएगा। और आप क्या करेंगे? इंतजार? हाँ सही कहा, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगा, तुम तीनों का इंतजार करूंगा, पानी से भरी हुई बाल्टियां वापस लेकर आने का इंतजार। आइए आइए पापा जी, चल दिया। ओहो, ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई, लिटिल लिटिल में मिलाने के लिए भी पानी नहीं मिला। पापा जी, आप लिटिल लिटिल लगा के आए? लगाना पड़ा बेटा, अब पानी का इंतजार करूंगा तो सहारे के लिए किसी का साथ तो चाहिए, है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं पापा जी, मैं हूं ना आपका सहारा। बेटा तू खुद बेसहारा है, मेरा सहारा कैसे बनेगा? वो छोड़ो जितेंद्र भैया, ये देखो हम लोग 2-2 बाल्टियां लेके जा रहे हैं और पापा जी 3-3। वाह पापा जी, आप 3-3 बाल्टियों में पानी भर के लाएंगे? वाह पापा जी, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे आपको अपना बाप कहने में गर्व महसूस हो रहा है। बेटा तू भी कुछ ऐसा करके दिखा दे कि तेरे बाप को भी तुझ पे गर्व महसूस हो। हमेशा शर्म ही क्यों महसूस करवाता है? ले पकड़े, एक ले एक तू ले, ये 2 बाल्टी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, तो अब तुम लोग 3-3 बाल्टी में पानी भरोगे और मेरे लिए एक। पापा जी आप एक भी क्यों लेके जा रहे हैं, आप अंदर जाके आराम कीजिए ना। तो वहां जाके नहाएगा कौन, तुम्हारा बाप? अरे बेटा मेरा मतलब यह कि तुम्हारा बाप वहां पर नहाएगा और तुम लोग अपनी अपनी बाल्टी में पानी भर, और जब नहाते वक्त मेरी बाल्टी का पानी कम हो जाए तो अपनी भरी हुई बाल्टी से मेरी बाल्टी में डालना, फिर अपनी बाल्टी को फिर से भरना और घर के लिए रवाना हो जाना। एक मिनट, ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। पहले आपकी बाल्टी को खाली करना है, फिर आपको बाल्टी के अंदर डाल के नहलाना है और आपके अंदर पानी भर के लाना है। लिटिल लिटिल तू नहीं लगाया कि मैंने? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब कंफ्यूजन कम हुआ? थोड़ा थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ। अब पूरा कम हो गया। जब तक आप नहाते रहे आपकी बाल्टी को भरते रहना है और आते हुए सारी बाल्टियों को भर के लाना है। ठीक है, क्लियर? चले चलो चलो चलो। सुबह हो गई, ये पानी लेकर आए क्यों नहीं? दादाजी लगता है ज्यादा पानी लेकर आ रहे हैं, इसलिए देर हो रही है। अच्छा अच्छा, बहू बहू बहू, जब तक पानी आता है ना नाश्ता बना दे। पिताजी बिना पानी के क्या बनाऊं? ओह हाँ, अच्छा जब तक पानी आता है ना चाय बना दे।
चाय में भी पहले पानी उबालते हैं। अच्छा ठीक है, जब पानी आ जाएगा तभी चाय नाश्ते की सोचेंगे। देखो, देखो आ गए, देखो आ गए, पानी लेकर आ गए, पानी लेकर आ गए। क्या कर रही है? आ गया पानी, आ गया, बहुत सारा। लाओ भाई लाओ, रख दो सारा पानी इधर। नहीं मिला पानी। नहीं मिला मतलब? पानी आया ही नहीं तो मिलता कैसे है कि नहीं? रूपा ने तो कहा था। रूपा? मम्मी जी मेरी खबर तो पक्की थी। उन्होंने भगवान जी, अब भगवान जी का भगवान जी जाने। मैं समझ गया पानी क्यों नहीं आया। लेकिन पापा जी पानी आ भी जाता बेटा तो हमें नहीं मिलता। पिताजी इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी कि हमारा नंबर आते आते पानी खत्म हो जाता था, है कि नहीं? देखा, भगवान जी जो कहते हैं सही कहते हैं। मम्मी जी बहुत भूख लगी है, नाश्ते में कुछ है? बिना पानी के जो भी बन सकता बना लूंगी। अच्छा फिर मम्मी जी आप दूध पत्ती बना लीजिए। हाँ, बिस्किट भी लाना और केक भी। केक भी? क्यों, तुम्हारा बर्थडे है? लेकिन घर में थोड़ी मठरी चिवड़ा और शक्कर पारा पड़े हैं। अरे वाह, इससे अच्छा नाश्ता और क्या हो सकता है? चिवड़ा मठरी शक्कर पारा लिया, लिया। लेकिन सारे के सारे बर्तन गंदे हैं। मम्मी जी हम पेपर प्लेट मंगा लेंगे ना। अरे पेपर प्लेट मंगवाने की क्या जरूरत है, पेपर है ना अखबार, उसमें ले आना। रोको रोको रोको। अरे दादाजी बाहर भी सब रोको रोको कह रहे हैं, आप यहाँ पे रोको रोको कह के क्या साबित करना चाह रहे हैं? साबित कुछ नहीं कर रहा हूँ, साबित तो हो चुका है कि तू गधा है। अरे टैंकर आ गए, चलो पानी। अरे नाश्ता पानी के बाद ही करेंगे। अरे कौन खाएगा तेरा सूखा चिवड़ा मठरी फटरी और वो शक्कर पारा? हम तो पानी से पहले नहाएंगे और पराठे ही खाएंगे, अब चाय पिएंगे। मुंह में तो पानी आ गया, टैंकर से पानी। चलो 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 चलो, खोलो खोलो दरवाजा, खोलो खोलो खोलो। आ जा मैडम, आ जा। आज लड्डू की बहुत याद आ रही है। ऐसे कैसे अचानक? कोई सड़े चेहरे वाला आदमी दिख गया क्या बाहर? हाथ लग रहा है, हाथ लगा। हाथ कंधे पे हाथ रखा है, कल को सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देगा। नहीं नहीं, आशीर्वाद तो आप ही देंगे मुझे, लेकिन ये अचानक लड्डू की याद कैसे आ गई? अरे वो होता तो एक बाल्टी पानी और मिल जाता ना। वेल दादाजी इज राइट, एक एक बाल्टी से क्या होगा। हाँ बात तो सही है, इस पानी का करें क्या, नहाए खाना पकाए बाकी काम करें, और पानी कहाँ से लाएं? आइडिया, पानी भरा। क्या आइडिया दिया रूपा ने, गेटअप वाला। अब जल्दी से पानी लाते हैं, फिर गेटअप बदलते हैं और फिर और पानी लाते हैं, है कि नहीं? चलो चलो चलो, 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 चलो।
एक बदले हुए वेश की सेल्फी। कौन बोला? चारों में से कौन बोला? कौन है? चारों में से शालू कौन है? वो पहले पानी भर के आ जाते हैं, फिर ढूंढ लेना तेरी वाली कौन सी है। क्या हो रहा है? टेंशन का टाइम नहीं है। चलो चलो। क्या चलो? रुको, देखो आज हम अवस्थी नहीं है। हाँ, आज हमको हम जिस गेटअप में हैं उसी तरह से बिहेव करना है। आज हमको पानी लेकर ही आना है। जी दादू जान, इंशाल्लाह। अल्लाह वल्लाह, चलो। क्या घोड़े पे जाएगा? तुम अपना घोड़े पे जाएगा, हम तो पैदल आएगा। रूपा बेटा, तेरा ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। अरे उस गेटअप में भी हम चारों को मोहल्ले वालों ने पहचान लिया और पानी देने से साफ इनकार कर दिया। एक बाल्टी एक्स्ट्रा नहीं दिया हमको। सॉरी, सॉरी, वेरी सॉरी। अरे तू क्यों सॉरी बोल रही है बेटा? ये हमारे मोहल्ले वाले घटिया हैं। इतनी मेहनत करके इतने अच्छे गेटअप लेके गए हम, हैं? अरे पहचान लिया तो पहचान लिया, हैं? मेहनत के नाम पे ही दो चार एक्स्ट्रा बाल्टी दे देते तो क्या हो जाता? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहे राज? हमको हैंड वॉश करना है, एक बाल्टी से कैसे करेगा? तू मेरी बाल्टी का पानी ले ले। पानी क्या चीज है, तेरे भी तो जान आ दे। मेरे जान से मेरा मतलब ये है कि मतलब इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा? हाँ पिताजी, लेकिन अगर आप अपनी बाल्टी सूजी को दे देंगे तो आप नहाएंगे किससे? मैं ये जितेंद्र की बाल्टी के पानी से नहाऊंगा। भाई होता है मेरा, आज तक तो किसी काम नहीं आया, पर आ जाएगा। ये अपनी बाल्टी का पानी मुझे देगा। वेल दादाजी, मैं आज भी आपके काम नहीं आ पाऊंगा। मैं आपको अपनी पानी की बाल्टी नहीं दे सकता।